नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लास में। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाना सीखेंगे, जिसमें आज हम एक सप्तभुज बनाना सीखेंगे। सप्तभुज वो भी एक विशेष मेथड द्वारा। दोस्तों, आज जो हम मेथड आपको बताने वाले हैं, उस मेथड का नाम है लंबवत सम विभाजित विधि, परपेंडिकुलर मेथड। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है लंब समविभाजित विधि द्वारा एक हेप्टागोन बनाइए, जिसकी भुजा 30 mm, ठीक है दोस्तों, 30 mm हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 30 mm की रेखा खींचनी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको करनी है खींचनी क्या है, 30 mm की एक रेखा खींचनी है। इसके बाद क्या करना है, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक 30 mm की रेखा खींची। अब जैसे ही विधि के नाम से ही बोला गया है कि लंबवत समविभाजित विधि, तो एक अपने को क्या करना पड़ेगा, एक लंब खींचना होगा। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, एक रेखा 30 mm की खींच दी आपने। 30 mm की रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे आप, उसको सम विभाजित कर देंगे। इस तरीके से क्या कर दिया आपने, सम विभाजित किया। तो इस पे क्या होगा दोस्तों, एक लंब खींच कर हो गया। ठीक, एक लंब खींच लिया आपने। ठीक है, तो देख लीजिए हमने क्या कर दिया, एक लंब इस तरीके से खींच दिया। ठीक, अब ये लंब दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक आपको क्या करना है, इस मिड पॉइंट से क्या करेंगे आप, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक क्या बना देंगे, एक अर्धवृत्त। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, एक अर्धवृत्त बना दिया। तो इस अर्धवृत्त पर आपने नंबर दिया 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें आपने कौन सा नंबर दिया, 4। अब क्या करेंगे, जो आपने 30 mm की रेखा पूरी तरीके से खींच ली है, ठीक है, यहां से एक पॉइंट यहां पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या आंसर नंबर हो जाएगा आपका, 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर हो गया दोस्तों, 6 नंबर। अब ये 4 और ये हो गया 6। अब हमको क्या करना है, हमको बनाना है हेप्टागोन बनाना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सप्तभुज। तो हमने लिखा कर दिया दोस्तों, आगे बढ़ा दिया। ठीक, अब यहाँ 6, यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है, 6 है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेम दूरी नाप कर एक पॉइंट लगा दिया, जो कि पॉइंट ये वाली दूरी क्या हो गई, तो यहाँ से देखिए दो अंकों का डिस्टेंस है उसके बीच में, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, दो अंकों का डिस्टेंस दिखाएंगे। तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 8। ठीक है, अब हमको बनाना है हेप्टागोन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7 लेकर आना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक रेखा जो है बड़ी लंबी है, तो उसको समविभाजित करूं तो आधी हो जाएगी। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो अगर मैं इसको समविभाजित करूं तो हमको जो डिस्टेंस मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रकार को आधे से ज्यादा फैलाना है और 0.6 पर रखकर एक चाप इधर और एक चाप इधर काटना है, 0.8 पर रखकर एक चाप इधर और एक चाप इधर, और इन दोनों को क्या करना है, स्केल की सहायता से मिला देना। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 7 नंबर का। ठीक, अब 7 नंबर का पॉइंट आपको मिल गया। ठीक, तो आपको क्या करना है, 7 नंबर पर आपको अपने प्रकार की नोक रखनी है और आपको यहाँ से ए नंबर पर आपको प्रकार की नोक लेकर आनी है। ठीक है, ए नंबर पर आपको क्या करनी है, प्रकार की नोक लेकर आनी है। ए पर ये लाया आपने ए, ये हो गया आपका बी। ठीक, तो ए नंबर पर आपको प्रकार की नोक लेकर आनी है और क्या करनी है, सर्कल बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, एक सर्कल बना देना है। तो देखिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, देखिए एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक, अब क्या करना, अब आपको एक हेप्टागोन बनाना है। तो कौन सी भुजा है, 30 mm, तो 30 mm आपने ऑलरेडी खींच के रखा है। ए बी बराबर कितना बताया आपने, 30 mm बताया दोस्तों, 30 mm बताया। ठीक, तो ए बी बराबर 30 mm, तो अपने प्रकार पर 30 mm इस तरीके से फैला लो। ठीक, और इस सर्कल के आप बराबर 7 भाग कर दो, 2, 3, 4 हो गए 7। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, 7 बार कर लिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, पॉइंट्स दे दीजिए, ए, ये तो ए हो गया आपका, ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा आपका जी। अब सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, हम सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से इस तरीके से मिला देंगे। तो हमने मिला देखिए, 1, 2,
इस तरीके से तीन हो गया, ये हो जाएगा चार, पांच और ये हो गया आपका छह और एक सात। तो दोस्तों ये बन गया आपका, देखिए आपका ये बन गया हेप्टागन, जिसमें कितनी भुजाएं हैं, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हेप्टागन सब तो कुछ बना सकते हैं। दोस्तों एक एक बात इसमें याद रखने वाली ये है कि यह एक मेथड जो है, यह मेथड सिर्फ और सिर्फ आपको हेप्टागन बनाने के काम नहीं आती, यह मेथड आप कोई भी पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। जैसे आप इससे चतुर्भुज भी बना सकते हैं, पंचभुज भी बना सकते हैं, षष्ठभुज भी बना सकते हैं, सप्तभुज भी बना सकते हैं, अष्टभुज भी बना सकते हैं, नौभुज भी बना सकते हैं, दसभुज भी बना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे हमने क्या किया, चार नंबर का पॉइंट लाया, छह नंबर का पॉइंट लाया, अगर हमको पांच नंबर पेंटागन बनाना होगा, पंचभुज बनाना होगा, तो हम क्या कर देंगे, यहां पर एक पॉइंट लेकर आएंगे, इसको समविभाजित करके यहां पर एक पॉइंट लेकर आएंगे पंचभुज, और इस पॉइंट से रखकर अपने को क्या करना है, ए तक लेकर आना प्रकार के लोग और सर्किल बनाना। जब हम लोग उसमें ये 30 mm के चाप काटेंगे तो पांच चाप काटेंगे तो हमारा पंचभुज तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार षष्ठभुज भी बना सकते हैं, सप्तभुज भी बना सकते हैं, अष्टभुज भी बना सकते हैं, आगे बढ़ाए तो 9, आगे बढ़ाए तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो यह एक क्या हो गई, एक यूनिवर्सल मेथड हो गई, ठीक है। ध्यान रखें ये कौन सी मेथड हो गई, आपकी एक यूनिवर्सल मेथड हो गई, ठीक है। तो आपको आज का चित्र समझ में आया होगा, आपको आशा करता हूँ आप सीख जाएंगे इसको देखकर, ठीक। अगली क्लास में हम और भी नए अच्छे अच्छे चित्र लेकर आएंगे, आप लोग को सिखाएंगे, ठीक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।